मैं राशिद अली खान का भाई बात कर रहा हूँ। परसों उनको लंग्स इन्फेक्शन हुआ था, किडनी में प्रॉब्लम है, बोल के हमारे को वहाँ लेके गए मेडिक्योर को। वहाँ पर एक दिन एडमिट करे, दूसरे दिन बोलते हो लोग वेंटिलेटर लगाना पड़ता, ये वेंटिलेटर उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, दूसरा वेंटिलेटर बड़ा लगाना पड़ता, उसके 50,000 होते, कोई बोल रहे 1,00,000 होते। पहले तो जाए 3 घंटे तक अटका दिया हमारे को, 3 घंटे तक हमारा केस नहीं लिया हाथ पे, बाहर गाड़ी में ठहरे रहे लोग। फिर उसके बाद पीर की शाम में बोलते हैं कि आप गांधी हॉस्पिटल को भेज दे रहे, एम्बुलेंस कोई ज़रूरत ही नहीं है, नहीं भेजना पड़ता हमारे को, जरा डाउट है, वहाँ भेज दे रहे हम उनको। एम्बुलेंस साहब पूरे रिपोर्ट आपके नेगेटिव आए हुए हैं, फिर इसको क्यों भेजा रहे आप? नहीं नहीं भेजना पड़ता बोल के बोले। हम घर में तो बोले नहीं, यहाँ पर मैंने यहाँ रख लेंगे, क्या देखे होते वो तो, यहाँ डेली 1,00,000 रुपये होते हैं वेंटिलेटर के, बाकी डॉक्टर्स वगैरह के चार्जेस अलग होते। अब डॉक्टर फिर ये भी बोल रहे, फिर हमको गारंटी नहीं देते। फिर हम बोले चलो माँ लामाला गांधी को भिजाते बोल रहे, तो भिजा दिए गांधी में जाके, हमारे बच्चे संगा ठहर के एडमिट करा दिए। वहां से मैसेज भी आ गया कि आपके आदमी एडमिट हो गए, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। चलो हम घर को आ गए, सब इत्मीनार हो रहा, वहाँ नहीं ठहरना बोले तो आ गए, सब बच्चे घर को आ गए, भाया भी घर को आ गए। उसके बाद सुबह 7 बजे कांस्टेबल फोन करते, ये राशिद अली खान क्या हो ना आपको बोले, तो बोले मेरे भाई है, नहीं उनका इंतकाल होगा। अरे मतलब ऐसा नहीं था कुछ भी, बोल तो नहीं नहीं इंतकाल होगा, आप आइए, मैं गांधी स्टेचू के पास ठहरा हुआ हूँ, आके मेरे से मिलो आप। हम यहाँ से बच्चे सब जने गए, 4-5 जने बाड़ी को लेंगे या देखेंगे बोल के कंफर्म करने के लिए, मगर वो इंस्पेक्टर जो सर्कल फोन करा उसका फोन ऑफ है, अभी तक फोन ना उठा रहा ना उन्हें मिला, ना वहां से कोई मैसेज आया दवाखाने से, ना फिर कोई कॉल आया। वो एक ही कांस्टेबल एक मरतबे कॉली फोन करा उन्होंने, आओ बोले तो चले गए वहां पर। जब से अभी तक जो ढूंढ रहे कोई कुछ बोल रहे, उसके बाद तो पहले देते नहीं बोले, बताते नहीं बोले, फिर उसके बाद बोले नहीं नहीं तैयार हो रहा, सैनिटर कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, उसके बाद में आपको देते, अच्छी बात है बोले, आप जगह का इंतजाम कर लो बोल के बोले वहाँ के डॉक्टर्स वगैरह जो भी थे। यहाँ एमएलए साहब को बोल के जाफर हुसैन साहब मेरा यहाँ के जो एमएलए यहाँ के कारपेंटर है हमारे, उन्होंने सब फोन करे बात करे, तो उन्होंने बोले आप जगह तो तैयार कर लो, तो यहाँ मुराशादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह में बोल के करके वहाँ पे जगह खुदा के रेडी कर दिए। बोले जितने फिट खुदाओ, बोले उतने फिट खुदाए, पूरा रेडी कर लिए। अब बैठे अब आते बच्चे जाके ढूंढ रहे, तो अभी तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिल रही। फिर अब अभी अकबर साहब भी फोन करके बातें करे करते, एके खान साहब भी बात करे करते, असद साहब करे, माजिद हुसैन साहब, मियाँ मीर साहब साबिका, उन्होंने भी, जाफर हुसैन साहब, उन्होंने भी फोन करे, कुछ भी नहीं हो रहा साहब, कुछ नहीं हो रहा, बहुत मुसलमानों के संगत बहुत जुल्म हो रहा। अब हमारे लोगों का यह हाल है, तो और दूसरे लोगों का क्या हाल होगा, ऐसे कितने बाड़ियां गायब कर दे रहे होंगे वो लोग, तो आप लोग एक्शन लीजिए साहब, आप लोग बहुत मेहरबानी होंगी। आप लोगों को क्या बोले बॉडी के तालुक से, बॉडी मिली आप लोगों की या नहीं? बॉडी नहीं मिली साहब हमको, रखने में है या नहीं है? नहीं, उन लोग भी बोल रहे हमको नहीं मिल रही है। मतलब ऐसा कैसा होता, आप लोग जिम्मेदार है, आप हमारे को सर्टिफिकेट दिए कि आप बता के बल्दी आप इसमें इसका डेथ सर्टिफिकेट निकाल लो, वो देने के बाद अब भाई जो बॉडी के संगात उसका प्रूफ तो हो ना भाई, ये फलाने की बॉडी है बोल के, वो कुछ भी नहीं है, इतनी लापरवाही चल रही है, पूछ लो आखिर ये कैसा होगा, कौन पूछने वाले हैं? यहाँ जगह तैयार कर दिया, 12 बजे देखो, 12:05 हो रहे ना, अभी तक बॉडी नहीं दिया, अभी तक बॉडी नहीं दिया। क्या नाम है आपके भाई का? राशिद अली खान। क्या उम्र रहेंगे? 37 है। अगर डेड बॉडी गई तो कहां गई आखिर, जरा आप लोग, हाँ इसके जिम्मेदार कौन है सब, आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए, जरा हमारे को कल बॉडी कैसा भी दिलाना है, घर पूरा परेशान आ रहे, छोटे छोटे बच्चे साहब, उसके वैसा वक्त ही नहीं था उसका, डॉक्टर खुद बोले बहुत हैंडसम है, इनको कुछ नहीं होता, बेफिक्र रहो बोले। ठीक है, सुप्रीम ग्रुप की नई पेशकश ट्रेवल्स के बाद अब रियल स्टेट में सुप्रीम फार्मलैंड ओपन प्लॉट्स और विलास नगद और आसान अक्सात के लिए अभी कॉल करें।